एक्जिनोस 850 प्रोसेसर या फिर स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर। अब यहाँ पर अगर नंबर्स को देखें तो 850 बड़ा लगता है, तो अगर इस वजह से आप कंफ्यूज हो A13 और F23 की परफॉर्मेंस में, तो फिर ये वीडियो आप ही के लिए। यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोनों ही डिवाइसेस की परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों आज है मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी A13 और सैमसंग गैलेक्सी F23 5G स्पीड टेस्ट के लिए। स्पीड टेस्ट के लिए मैं दोनों ही डिवाइसेस पर रन करने जा रहा हूँ N22 बेंचमार्क का एप्लीकेशन। इसके बाद जो स्कोर्स अवेलेबल होंगे या जो स्कोर्स मिलेंगे उनके आधार पर हम ये जज करेंगे कि गैलेक्सी A13 कैसा परफॉर्म करता है F23 के कंपेरिजन में, या फिर F23 कितना बेहतर है A13 के कंपेरिजन में। तो चलिए टेस्ट करते हैं शुरू। वैसे मैं यहां आपको बता दूं कि दोनों ही डिवाइसेस का यहां पर 4GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरी वाला वर्जन यूज किया गया है। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो A13 में आपको मिलता है एक्जिनोस का 850 प्रोसेसर, वहीं F23 में मिलता है आपको स्नैपड्रैगन का 750G प्रोसेसर। तो टेस्ट हो चुका है, फिनिश स्कोर्स हैं आपकी आंखों के सामने। अब यहाँ अगर टोटल पर नज़र डालें तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने को मिलता है। F23 ने जहाँ अचीव किया है 324487, वहीं गैलेक्सी A13 का टोटल स्कोर है 124310, यानी कि ओवरऑल परफॉर्मेंस में पूरी तरह से F23 A13 को बीट करता है। अब जरा पर्टिकुलरली देखते हैं कि CPU, GPU, मेमोरी स्कोर्स में कौन सा डिवाइस कैसा परफॉर्म करता है, क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं CPU स्कोर्स की, यानी कि कॉमन यूज की। तो कॉमन यूज में गैलेक्सी A13 का स्कोर है 29817, वहीं F23 का है 99868। यानी कि अगर कॉमन यूज की बात करें, जैसे कि एप्लीकेशंस को लॉन्च करना या किसी एप्लीकेशंस के बीच स्विच करना, किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी का होना, तो उस कंडीशन में A13 भी काफ़ी बेहतर है और अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन अगर इसे F23 से कंपेयर करें तो उस कंडीशन में F23 ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है A13 के कंपेरिजन में। जैसे कि यह एक वीडियो जो दोनों ही डिवाइसेस के UI वाले पार्ट में रिकॉर्ड किया गया है। अब यहाँ पर अगर स्क्रोलिंग की बात करें तो वो F23 पर ज़्यादा स्मूथ होती है एज़ कम्पेयर टू A13। हालांकि यहाँ पर F23 का 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले भी जिम्मेदार है। यानी कि अगर स्क्रोलिंग की बात करें या फिर किसी एप्लीकेशन लॉन्च करने की बात करें या फिर किसी एप्लीकेशन को स्विच करने की बात करें, मतलब कॉमन यूज की बात करें, तो उस कंडीशन में F23 A13 से बेहतर है। हालांकि कॉमन यूज में A13 पर भी आपको कोई बहुत बड़ा इशू देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन दोनों आपस में कंपेयर करें तो F23 बहुत ज्यादा बेहतर है A13 के कंपैरिजन में। अब चलिए चलते हैं दोनों ही डिवाइसेस के GPU स्कोर्स यानी कि गेमिंग परफॉर्मेंस की तरफ। GPU स्कोर्स की बात करें तो A13 का स्कोर है 25197, वहीं F23 का है 74492। यानी कि यहाँ पर भी आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने को मिलेगा। F23 यहाँ भी बहुत बेहतर परफॉर्म करता है A13 के कंपैरिजन में। जैसे कि यह एक वीडियो जो दोनों ही डिवाइसेस की GPU वाले पार्ट में रिकॉर्ड किया गया है, अब यहाँ पर डिफरेंस आप साफ साफ देख सकते हो। F23 पर जहाँ ये वीडियो पूरी तरह से सुपर स्मूथ तरीके से रन हो रहा है, तो वहीं A13 पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा लैग और फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलते हैं। यानी कि मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम्स जहां आप F23 पर बड़े आराम से प्ले कर सकते हो बिना किसी लैग, बिना किसी फ्रेम ड्रॉप के, तो वहीं A13 पर आप मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम्स बहुत ज़्यादा स्मूथ तरीके से प्ले नहीं कर सकते। लो ग्राफिक्स तक के बेसिक गेम्स जैसे कि कैंडी क्रश, टेम्पल रन 2, सबवे सर्फर जैसे गेम ही आप A13 पर बड़े आराम से प्ले कर सकते हो। तो अगर आपको गेमिंग के लिए कोई डिवाइस चाहिए तो उस कंडीशन में F23 पूरी तरह से A13 से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। अब चलिए चलते हैं दोनों ही डिवाइसेस के मेमोरी स्कोर्स की तरफ। मेमोरी स्कोर्स यानी कि रैम एंड रोम स्कोर्स की बात करें या फिर मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस की बात करें, तो उस कंडीशन में A13 का स्कोर है 39385, वहीं F23 का है 73892। यानी कि यहाँ भी लगभग जस्ट डबल का डिफरेंस देखने को मिलता है रीड एंड राइट स्पीड। इसके अलावा मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस के स्कोर्स की बात करें तो उस कंडीशन में भी F23 पूरी तरह से A13 से बेहतर है। यानी कि मल्टीटास्किंग में गैलेक्सी A13 भी काफ़ी बेहतर है अगर अपनी जगह बात करी जाए गैलेक्सी A13 की, लेकिन अगर दोनों को आपस में कंपेयर करें तो उस कंडीशन में F23 यहाँ भी A13 को बीट करता है। यानी कि हार्डवेयर के मामले में F23 पूरी तरह से A13 से बेहतर है। यही था मेरा A13 और F23 के बीच एक स्पीड टेस्ट N22 बेंचमार्क का स्पीड टेस्ट। स्पेसिफिकेशन से ऑलरेडी कंफर्म था कि F23 बेहतर रहेगा, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि F23 कितना बेहतर है और कहाँ A13 परफॉर्म करता है कैसा, और कहाँ पर F23 कैसा परफॉर्म करता है।